सरकार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। लेकिन जो चोरी होता है इसको ठीक कीजिए। सिस्टम में जो चोरी करता है हमको सिस्टम का हिस्सा का क्रिमिनल बनाना है। लोग इन लोग चोर है पूरा सिस्टम, और सिस्टम का जिस दिन 243 का हिस्सा बने सब सबको एक एक करके रिमांड लिया जाएगा। बिजी मंत्री हो, बिजी मंत्री हो, बिजी मंत्री हो, बिजी मंत्री हो। इसलिए मुझे लगा दूसरा तो बेकम्मा आदमी है इस जिला में, सिंगल जिला परिषद, नंगटा जिला परिषद, नासिक नदी रे भैया। हम करेंगे क्या? पब्लिक हमको फोन करता है, हम तो भैया क्या करेंगे? सिस्टम को बता रहे हैं कि हम है कौन चीज। सर काम नहीं होगा इसके, हाईवे जाम करेंगे हम। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। सर मेरा सवाल है कि सिस्टम में जो काम करता है उसमें स्टाफ की जरूरत है। कोचा धामन में टोटल 27 स्टाफ है, ठीक है, और 24 पंचायत है। उसमें क्या किए हैं, क्या बिशनपुर पावर हाउस से में 5 पंचायत का 7 स्टाफ, ठीक है, आपका मोदो का 5 पंचायत का आपका 9 स्टाफ, बगलवाड़ी पंचायत, पुट्टी पंचायत, बलजान पंचायत, तगड़िया पंचायत, पाटकी पंचायत, ब्राह्मणी पंचायत, ये सब में आपका 15 पंचायत मिला के टोटल 9 स्टाफ। स्टाफ की संख्या क्यों नहीं है? सर मेरा सवाल है कि जो सरकारी वेतन है, जो स्टाफ काम करता है उसको सरकार से वेतन क्यों नहीं मिलता? सर हमेशा गांव में जो चीज़ उड़ता है, गाँव वाला 10-15 रुपया का चंदा करके तब वो बिजली डिपार्टमेंट को पैसा देता है। रीज़न क्या है कि गरीब आदमी की सैलरी नहीं है, उसका सैलरी होना चाहिए। दूसरी बात सर, जो दो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो 18,000 जो रहने दिए ना, थोड़ा रुकिए, 18,000 आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो 11,000 वोल्टेज वायर है, तार है, वो आज तक रिपेयरिंग नहीं हुआ उसका। बार सर बगल में बंगाल है, बिजली वहाँ पे भी चरकती है, बगल में 20 किलोमीटर में है मेरा, 10 किलोमीटर के अंडर में भी पड़ता है, लेकिन वहाँ पे आपका 3-4 घंटे के अंदर बिजली के बाद ठीक हो जाता है। आखिर जो आइसोलेटर बार बार चेंज करते हैं, ये सही इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं लगाते हैं? सर स्टाफ की कमी है आइसोलेटर की। सर पदाधिकारी रात दिन मदद करते हैं, दौड़ते हैं, पदाधिकारी के पास स्टाफ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली विभाग से बोल करके कोचा धामन में जो आपका पाटकी ड्रामाणी पंचायत में जो पावर हाउस का जो बात हो रही है, उसका जमीन अधिग्रहण हो गया, उसको मुआवजा दीजिए, वहाँ पे पावर हाउस बनाइए, ताकि ये मेरा 5-6 पंचायत के लिए अलग मेरा पावर हाउस ग्रिड बन जाएगा, हमको टेंशन नहीं रहेगा। आज बिजली के बारे में बोल रहे हैं तो नीतीश सरकार बोल रहे हैं कि हमने बिजली व्यवस्था इतनी दुरुस्त कर दी है कि पूरे देश। सर हमारा सवाल है कि पंजाब और दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली है, मेरे यहाँ पे ये स्थिति है कि गरीब आदमी का 100 बल्ब नहीं जलता है, 10,000 बिल बनता है, उससे भी वो लोग कंप्रोमाइज करके ले लेते हैं। सर बिजली विभाग पूरा ठप है, फिर फ्री जुड़ेगा तो 10 रुपया गाँव वाला चंदा देगा, फिर कोई गरीब आदमी चंदा नहीं देता। बरसात में ऐसा होता है, ठीक है, बरसात अभी शुरुआत है, बरसात का भी शुरुआत है, 4-5 महीना बरसात रहेगी तो हल्की सी बारिश होने पर भी लाइट कट जाती है। सर मेन जिम्मेदार किसको मानता है, सरकार को या फिर? सर मेरा सवाल है कि MGM रोड और दिल्ली जैसल वाला एरिया जितना गोश्त फैक्ट्री है सब में लाइट रहता है, कोयला दामन में क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सर जो रमजान का टाइम था उसमें लगातार अष्टपोर का कार्यक्रम चलता था, उस टाइम में ऊपर से उन्हें वोल्टेज नहीं दे रहा है। भैया सरकार क्यों नहीं वोल्टेज देगा हमको? उसके लिए आके स्थानीय विधायक MP क्यों नहीं बात करते हैं? इसलिए मुझे लगा दूसरा तो बेकम्मा आदमी है इस जिला में, सिंगल जिला परिषद, नंगटा जिला परिषद, नासिक नदी रे भैया। हम करेंगे क्या? पब्लिक हमको फोन करता है, हम तो भैया क्या करेंगे? सिस्टम को बता रहे हैं कि हम है कौन चीज। सर काम नहीं होगा इसके, हाईवे जाम करेंगे हम। लेकिन जो चोरी होता है इसको ठीक कीजिए। विभाग को जाकर कि कभी आवेदन? सर बहुत बार आवेदन दिया गया, बहुत बार दिया गया ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए। सब लोग ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए गरीब से पैसा लेता है। सर बिजली पोल का पोल लगाने के लिए गरीब से 8,000-10,000 लेता है। सर ये लोग पूरा सिस्टम चोर है। बड़े बड़े आदमी का 12 लाख रुपया बिल है तो उसका पेमेंट उसको कोई दिक्कत नहीं करता है, मेरे पास प्रूफ है ना सर। और गरीब आदमी का 2,000 के लिए बिजली बिल काट देता है। सर सिस्टम का जितने हिस्सा भरे ना सरकार का, इन लोग को इतना दौड़ाएंगे हम, सब समझ आएगा। माने DM साहब, कलेक्टर साहब,
आपको मैंने कल फोन किया था, आपको आपसे बात करना चाहता था, आपने कहा कि मैसेंजर बात करो। पब्लिक हमको फोन करता है तो उसको पूरा बात हम सुनते हैं कि कहाँ लाइट नहीं है, आप मेरी बात नहीं सुनिएगा। तो स्थानीय विधायक को भी तो चाहिए कि वो फोन उठा ले जिला परिषद का। सर सिस्टम खराब है, क्या बोलेंगे, दौड़ रहे हैं इसे रख ले, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गरीब को जो परेशान करेगा इसके बाद फिर बांध निर्माण कांड के लिए धरना होगा, छोड़ेंगे नहीं। सिस्टम मेरा ठीक करना होगा, सिस्टम में जो चोरी करता है हमको सिस्टम का हिस्सा को क्रिमिनल बनाना है। लोग इन लोग चोर है पूरा सिस्टम, और सिस्टम का जिस दिन 243 का हिस्सा बने सब सबको एक एक करके रिमांड लिया जाएगा।